नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज पुरानी तहसील में दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने महिला को आतंकित करते हुए जेवर, नकदी और मोबाइल आदि लूट लिए। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि वारदात को अंजाम देने वाले युवक परिवार के परिचित थे और मेहमान बनकर घर में घुसे थे। आइए जानते हैं क्या कहा घर के लोगों ने। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के गले पर चाकू लगने की एक घटना संज्ञान में आई थी और इस संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त महिला के किसी परिचित के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा उस महिला का कहना है। महिला को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उस उक्त घटना का अनावरण किया जा सके। इसके लिए टीमें लगाई गई हैं ताकि पूरे घटना से के सभी पहलुओं से अनावरित किया जा सके। अभी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में महिला नहीं थी, डॉक्टर भी उसको मना कर रहे थे बोलने से, वो बोलना तो चाह रही थी, लेकिन फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन लोग इस घटना को अंजाम देने वाले हैं। अभी अभी 11:30 बजे करीब कुछ लोग घर में आए, उन्होंने कुछ चाय चुई बनाई इसके लिए, तो उन्होंने रसोई में कुछ कान कुन किया, चक्कू चुक्कू मारा पेट में, गले में और कान में कुन्ना का लेके वो फ़ोन वगैरह लेके चले गए उसका। तो जो लोग आए थे वो जान पहचान के थे? हाँ, वो कुछ जानने का वो कराया उन्होंने, जीजा बता रही है, जीजा बता रही है उनका, हरद्वारा का जीजा बता रही है कोई। आपके क्या लगते हैं? वो मेरी छोटे भाई की भाई वाइफ है। आपकी भाभी? हाँ। कहाँ ले गए उन्हें? फिलहाल यहाँ पर एडमिट कराया था सिविल हॉस्पिटल में, अनंत फल में एडमिट कराया गया, फिर वो एम्स में रेफर कर दिया गया। तो हाँ, क्या जो आपकी भाभी है क्या बोल रहे हैं कि उनकी जीजा से? हाँ, जीजा से पहचानना है, जीजा को पहचानना है, चाय बनाई उनके लिए उन्होंने। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने लूटपाट करी? हाँ। क्या करते हैं जीजा, कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं, ठेले वाले लगाते हैं क्या लगाते हैं हमें कुछ आइडिया नहीं है, हरद्वार के बताते हैं। कोई दुश्मनी थी? नहीं, कुछ नहीं, फिलहाल तो देखो हमें इससे आइडिया नहीं है कुछ भी। कुछ ले गए आप यहाँ से क्या? हाँ, तो फोन वगैरह ले गए, कानों करने का जो भी कुछ ले गए। ठीक है, तो आप क्या पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई, पूरी छानबीन करके गई यहाँ से पूरी सारी। अच्छा, पुलिस क्या बोल रही है? वो छानबीन करके चले गई पुलिस वाले यहाँ से। घर में ऊपर भी कुछ उन्होंने कुंडा? हाँ, कुंडा में कमरे का भी दरवाजा हिलाया गया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के गले पर चाकू लगने की एक घटना संज्ञान में आई थी और इस संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त महिला के किसी परिचित के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा उस महिला का कहना है। महिला को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उस उक्त घटना का अनावरण किया जा सके। इसके लिए टीमें लगाई गई हैं ताकि पूरे घटना से के सभी पहलुओं से अनावरित किया जा सके। अभी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में महिला नहीं थी, डॉक्टर भी उसको मना कर रहे थे बोलने से, वो बोलना तो चाह रही थी, लेकिन फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन लोग इस घटना को अंजाम देने वाले हैं।